जय हिंद YouTube, कैसे हो आप सब। उम्मीद है मस्त होंगे, खुश होंगे। हम लौटा है अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट सूचना में। तो आज की ताजा सूचना है उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत के बीच चल रहे कोल्ड वॉर, जिनकी खबरें सोशल मीडिया में छाई हुई है। इससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक में कौन बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज है भारत के लिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देवें। तो शुरू करते हैं आज की सूचना। इससे पहले जो भी मेरे भाई बंधु नए हैं इस चैनल और गलती से सब्सक्राइब करना भूल गए तो देर किस बात की दोस्त, जल्द से जल्द सब्सक्राइब और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूल। इससे हमारी आने वाली सारी वीडियो की महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की सूचना, लेट्स गो। टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अपने और बॉलीवुड एक्टर उर्वशी रौतेला को लेकर चल रहे विवाद के एक रहस्यमय पोस्ट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में उन्होंने स्टोरी पोस्ट किया। पंत और अभिनेत्री पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चाओं में बने हुए हैं, जब उर्वशी ने बॉलीवुड वेबसाइट के एक इंटरव्यू में दावा किया कि एक इंसान आरपी करके इंट्रोड्यूस किया गया था, उनसे मिलने के लिए घंटों इंतजार किया। यह आरपी वर्ड पंत के लिए ही इस्तेमाल किया गया था, जो इस महीने के अंत में संयुक्त अरब अमीरात में एशिया कप के दौरान एक्शन में दिखाई देंगे। उर्वशी के साथ विवाद में फंसने से पहले 24 साल के पंत पहले से ही चर्चा का विषय बने हुए थे। उन्होंने इंग्लैंड दौरे में 2 शतक लगाए थे, एक बर्मिंघम में टेस्ट में और दूसरा मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफिक के निर्णायक एक दिवसीय मैच में भी शतक लगाया था। पंत और उर्वशी के बीच क्या है विवाद। कुछ दिन पहले बॉलीवुड हंगामा को दिए गए एक इंटरव्यू में रौतेला ने दावा किया था कि एक शख्स था जिसे आरपी कहा गया था, उसने मिलने के लिए दिल्ली के एक होटल में लॉबी में 10 घंटे इंतजार किया था। इंटरव्यू में अभिनेत्री ने हवाले से यह कहा गया था, मैं वाराणसी में शूटिंग कर रही थी, उसके बाद नई दिल्ली में मेरा एक शो था, इसलिए मुझे एक फ्लाइट लेनी पड़ी। नई दिल्ली में मैं पूरा दिन शूटिंग कर रही थी और करीब 10 घंटे की शूटिंग के बाद जब मैं वापस आई तो मुझे तैयार होना था, और आप जानते हैं कि लड़कियां तैयार होने में कुछ समय लगाती है। मिस्टर आरपी आए, वे लॉबी में बैठे रहे और मेरा इंतजार करने लगे और वे मिलना चाहते थे। मैं इतना थक गई थी कि मुझे नींद आ गई और मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे इतने सारे फोन आए हैं, और जब मैं उठी तो 16 से 17 मिस कॉल थे और मुझे इतना बुरा लगा कि मेरा कोई इंतजार कर रहा है और मैं नहीं मिल पाई। बहुत सारी लड़कियां किसी का इंतजार करने की परवाह नहीं करती। उस सब मान कर रिप्लाई करते हुए मैंने उनसे कहा कि जब आप मुंबई आएंगे तो मिलते हैं। हम मुंबई में मिले और मीडिया ने हमें घेर लिया और दूसरे ही दिन यह इतनी बड़ी खबर बन गई। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि इंटरव्यू में अभिनेत्री ने जिस आरपी का जिक्र किया है वह पंत थे। क्रिकेटर ने इसके बाद इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की, जिसके बाद उन्होंने यह डिलीट कर दिया। उनका ट्वीट इस तरह का था, यह मजेदार है कि कैसे लोग केवल कुछ कम लोकप्रियता और सुर्खियों में आने के लिए इंटरव्यू में झूठ बोलते हैं। दुख की बात है कि कैसे कुछ लोग शोहरत और नाम में इतने प्यासे होते हैं कि क्या कहें, भगवान उसे आशीर्वाद दे। हैशटैग में उन्होंने लिखा था कि मेरा पीछा छोड़ो बहन, और एक हैशटैग में उन्होंने लिखा था झूठ की भी सीमा होती है। पंत की पोस्ट का रिप्लाई करते हुए रौतेला ने इस कीपर बल्लेबाज को पटकनी देते हुए सोशल मीडिया पर एक रिपोस्ट किया। उन्होंने यह लिखा कि छोटू भैया को बैट बॉल खेलना चाहिए, मैं कोई मुन्नी नहीं हूँ जो बदनाम होने के लिए युवा किड्डो डार्लिंग तेरे लिए जैसे हैशटैग रक्षाबंधन मुबारक हो। उन्होंने हैशटैग भी जोड़े आरपी छोटू भैया, कॉगर हंटर और एक साइलेंट लड़की का फायदा ना उठाए। इस तरह की प्रतिक्रिया उर्वशी रौतेला ने दी थी। पंत और रौतेला ने 2018 में वापस खबरें बनाई थी क्योंकि दोनों को कई मौके पर एक साथ देखा गया था, जिसके बाद डेटिंग की अफवाह सामने आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में उन्होंने अलग होने का फैसला किया, यहां तक कि एक दूसरे को उन्होंने ब्लॉक भी मार दिया। तो यह थी उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत के विवाद की पूरी कहानी। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी अच्छी लगी होगी आपको। हम लौटेंगे अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट सूचना में। तब तक के लिए जय हिंद।